किचेने सबाई के स्वागत। आज हमें अपन एक नतून रेसिपि शेयर करते चले कालाकांद मिस्टी। इटा बनानो खूब इजी, तो चलो स्टार्ट करा जाक। कालाकांद सन्देश बनानोर जोन्नो आमी एखाने एक लिटार फुल क्रीम दूधे छाना काटिए छानाटा रेडी करे नियेछी। एखाने आमी एक बाटी चीनी नियेछी, एखाने एलाचीर गुड़ो नियेछी और एखाने एक लिटार आमी फुल क्रीम दूध नियेछी। एटाके आमी दूधटाके फुटिए हाफ लिटार करे नेब। आमी ओवेनटाके अन करे दिलाम। एबार आमी दूधटाके फोटाबो। दूधटाके कन्सटैंट नाड़ते थाकबो, नाहले नीचे भरे जाबे। कन्सटैंट नेड़े नेड़े एटाके आमी फुटिए हाफ लिटार करे नेब। दूधटा कन्सटैंट जाल देवार पर अनेकटाई रिड्यूस हो गए। यही पर्याय जल झरे रखा छानाटा हाथे करे मैश करे करे एर साथे मिशिए देव। दिए दिलाम। दिए एबार इटाके कंटिन्यू नाड़ते थाकबो। दूधटा पुरो रिड्यूस हो गेछे। आमी एई पर्याये चीनी दिए देव। चीनीटा आमी खूब आस्ते आस्ते मेशाते थाकबो। चीनीटा आमी मिशिए दिए कन्सटैंट नाड़ब, नाड़े नीचे धरे जाबे। एर साथे एकटु आमी एलाचेर गुड़ोटाओ दिए दिच्छि। चीनी देबार पर चीनी थेके जे जलटा बेरियेछिलो सेटा सम्पूर्ण शुकिये गेछे। एबार एई पर्याये आमी 2 टेबिल स्पून घि दिए देब। दिए एटाके भालोभावे मिशिए आरो 2 मिनिट आमी एटाके कंटिन्यू नेड़े जाब। कालाकांदटा पुरो रेडी हो गेछे। एबार एखाने आमी एकटा कंटेनारे घि माखिए रेखे दिएछि, एर मध्ये आमी ढेले सेट करे नेब। काटे स्पैचुला दिए आमी भालो करे एटाके चेपे चेपे सेट करे नियेछि। कालाकांद मिष्टिर उपर एकटु दाना दाना थाके, देखुन खूब सुंदर भावे जमे गेछे। एटा सेट हो गेछे। एबार एटाके आमी उपर थेके बादाम कुचि और पेस्ता दिए एटाके गार्निश करे देव। ड्राई फ्रूट्स दिए एटाके साजाते पारें। एर मध्ये किशमिश दीते पारें, काजू दीते पारें, जार जे रकम पछंदेर सेई रकम दिए एटाके डेकोरेशन करते पारें। आमी एटाके दिए दिएछि साजिए। एबार एटाके आमी 30 मिनिट सेट होते देव। एटाके आपनारा बाइरे रेखेओ सेट करते पारें किंबा ठंडा करे फ्रिजेर मध्येओ सेट करते पारें। এই অবস্থাতে আমি একটু ঠান্ডা করে নেব, তারপরে
সেট করে ফিরে আসছি। 30 মিনিট পর আমি ফিরে এলাম, কালাকাঁদটা একদম সেট হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি কেটে পিস করে নেব। পিসগুলো দেখুন কত সুন্দর আর কিভাবে তৈরি হয়েছে, সব দিকটাই খুব সুন্দরভাবে সেট হয়েছে। এইভাবে আমি পুরো পিসগুলো তুলে একটা সার্ভিং প্লেটে সাজিয়ে নেব। কালাকাঁদ মিষ্টিগুলো আমি একটা সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে দিয়েছি। এই মিষ্টিগুলো আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করুন, খুব একটা টাফ ব্যাপার নয়, খুব ইজি। যদি এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে তো লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।